दोस्तों, बहुत ही एक फेमस डायलॉग है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा भी होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में, कि विंटर इज़ कमिंग नाउ। जो ये स्टार्टअप वर्ल्ड है, इसमें इसका क्या महत्व है? विंटर इज़ कमिंग मतलब सब चीज़ें ठंडी पड़ गई हैं, कुछ भी आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, बहुत ही डाउन एंड आउट हो सकते हैं आप, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें, क्या करना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को उस समय? कहना बहुत आसान है कि अपने को मोटिवेट कीजिए, सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए, या जो बन सके वो कीजिए। लेकिन एक चीज़ जो हर एंटरप्रेन्योर कर सकता है वो है हेल्प सीक करना। अब चाहे वो अपने सीनियर्स से हो, मेंटोर्स से हो, इन्वेस्टर्स से हो, या किसी फ्रेंड से हो जो कि स्टार्टअप दुनिया में है, या अवेयरनेस है, या किसी ऐसे बंदे या एक्सपर्ट से जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब विंटर आए तो आप ये हेल्प ज़रूर सीख कीजिए, क्योंकि हेल्प कहते हैं कि है वहाँ पे, अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं। तो रादर देन गोइंग थ्रू ऑल दी फ्रस्ट्रेशन, ऑल दी स्ट्रेस योर सेल्फ, इट्स ऑलवेज बेटर इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू सीक सम हेल्प। सो जब विंटर आएगा तो हेल्प सीख कीजिए। होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू अगेन सून। थैंक यू।